दोस्तों ये है अहमदाबाद कोइन एग्जीबिशन। इस अहमदाबाद कोइन एग्जीबिशन में मुझे एक मिले यंग, एक युवा कलेक्टर जो कि प्राचीन भारतीय सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, एंशंट इंडिया के सिक्कों पर रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हिस्ट्री एंड कोइंस के माध्यम से लोगों को जानकारी भी देती है। जो भी इनके पास नॉलेज है वो लोगों तक शेयर करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो मेरे साथ जो हैं ओम मोदी जी हैं, जो कि गुजरात से हैं, प्राचीन भारतीय सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, अपनी पूरी एक व्यवस्थित तरीके से एक एल्बम बनाई है और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एंशंट इंडिया के सिक्कों की जानकारी देते हैं। हम इनसे जानेंगे क्या प्राचीन भारतीय सिक्कों का कलेक्शन क्यों करना चाहिए, वो जो सिक्के हैं वो अपने आप में क्यों खास है, क्या वो हमारे भारत के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं वो प्राचीन सिक्के, तो इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कब से कलेक्शन कर रहे हैं और प्राचीन भारतीय सिक्कों का कलेक्शन करना क्यों जरूरी है। जी सर, नमस्ते, मेरा नाम है ओम मोदी और मैं पालनपुर से रहने वाला हूँ और मैं पिछले 5 सालों से कलेक्शन कर रहा हूँ और एंशिएंट कॉइन्स के प्रति मेरा जो इंटरेस्ट बना है वो रवि सर के वजह से बना है। तो जब मैंने एंशिएंट कॉइन में पृथ्वीराज चौहान का कॉइन्स देखा सर के चैनल में, करीब 5 साल से पहले उन्होंने वीडियो डाला था, तो मैं सोच में पड़ गया क्योंकि इतना साल पुराना जो पृथ्वीराज चौहान का कॉइन है वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है, 1000 साल पुराना सिक्का, तो क्या वो सिक्का आज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने वो रिसर्च करा और फिर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ऐसे प्राचीन भारत के सिक्के कलेक्ट करूँगा, तो इस प्रकार से मुझे ये शौक बढ़ने लगा और पिछले 5 सालों से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ प्राचीन भारत का। दर्शकों को ये बताइए, ये जो प्राचीन भारत के सिक्के हम कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्ट करने क्यों ज़रूरी है, क्यों ये हमारे देश की धरोहर हैं, सेव कॉइन सेव हेरिटेज क्यों कहा जाता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि वो जो जीता जागता प्रमाण है प्राचीन भारतीय सिक्के। जी सर, वो क्यों ज़रूरी है कलेक्शन करना। दोस्तों सबसे पहले तो आप जानिए कि ये एक राष्ट्र की सेवा है, अगर हम ये कॉइन्स अगर कलेक्ट करते हैं तो ये हम हमारी संस्कृति को बचाते हैं, हम हमारी धरोहर को बचाते हैं। मैंने कई सारे देखे हैं सिक्के कि ऐसे हैं कि वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं, तो हो सकता है आप भी इस प्रकार के सिक्के अगर आज कलेक्ट न करो तो हो सकता है 40-50 साल के बाद वहाँ पे वो सिक्के चले जाए और हमारी संस्कृति का वहाँ से नुकसान होता है, तो आज से ही हम कलेक्शन शुरू करते हैं। थोड़ा दर्शकों को ये भी बताइए, जैसे आप प्राचीन भारतीय सिक्कों पर स्टडी करते हैं, तो अगर हमें उस समय के बारे में जानना हो, उस पेड़ के बारे में जानना हो, उस घटना के बारे में जानना हो और ये जानना हो कि सिक्को ये जो राजा था क्या ये उस समय रहा भी था या नहीं रहा था, तो सिक्के जो हैं वो एक ऐसा जीता जागता प्रमाण है, वो ठोस एक सबूत है, अगर हाथ में हमारे सिक्का है तो वो उस डायनेस्टी के बारे में बताता है जो डायनेस्टी रही है, उनका शासन रहा है और कहाँ से कहाँ तक रखा, सारी चीज़ें सिक्के पर प्रमाणित होती है। सही बात, आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था एक सिक्का आपने देखा विक्रमादित्य का, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी दोस्तों, तो ये मेरा एक कॉइन्स का एल्बम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा पास में ले आओ आप। जी बताइए। तो ये एक मेरा कॉइन्स का एल्बम है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक गुप्त वंश के स्कंद गुप्त राजा का सिक्का है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सिक्का है, एक दोस्तों पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिक्का जो है वो एक अकाट्य प्रूफ है इतिहास का, अगर सिक्के हमारे हाथ में है तो हम उसके आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो एक सिक्का देख रहे हैं, मैं आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ, ये स्कंदगुप्त के फायर अल्टर टाइप के सिक्के हैं। अब उन समय राजा को क्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था, तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा, तो दोस्तों जब हमने सिक्का हाथ में लिया और देखा तो सिक्के में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है परम भगवता महाराज धीराज श्री स्कंदगुप्त क्रमादित्य, तो यहाँ से हमें पता चला कि उस वक्त उन समय राजा को क्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। ये पूरा इस पे अंकित है, लिखा हुआ है। हाँ, पूरा ब्राह्मी में लिखा हुआ है। जी करेक्ट, ये डॉटेड सर्कल ने अंदर। करेक्ट करेक्ट। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के हमें सिक्के जरूर कलेक्ट करने चाहिए। इस सिक्के के बारे में दर्शकों को बताइए। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सिक्का है ये। दोस्तों ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ये गांधार जनपद का सिक्का है। दोस्तों ये जो सिक्के है आज से करीब 2600 साल पुराने सिक्के हैं, जब हमारे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उन 16 महाजनपद में से एक जनपद था गांधार जनपद जो कि हाल तक्षशिला थी और अब आज की अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान के इलाकों में था।
उसका जो राजा था यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लिखा हुआ है, और ये 6th century BC का सिक्का है, और ये सिक्का जो होता है कप शेप का होता है इस प्रकार का, क्योंकि उस समय जो सिक्का बनता था वो पंच करते थे, पंच के कारण वो सिक्का ऐसे बेंट हो जाता था, चांदी थोड़ी पतली होती, हाँ चांदी पतली होती थी। तो यहाँ पे आप सिक्के का वजन भी देख सकते हो, और पीछे की साइड ब्लैंक होती थी। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक अपने कलेक्शन का सिक्का दिखाइए, नाहपना के सिक्के के बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। दोस्तों ये जो आप सिक्का देख रहे हैं ये एक वेस्टर्न सत्रप में जो उनके महान राजा हुए नहपान उनका सिक्का है। अब यहाँ पे देख सकते हो नहपान में दोस्तों एक खास वेराइटी है कि इसमें 3 भाषा में अलग अलग आपको दिखेगा। यहाँ पे आप आगे की साइड देखोगे तो आपको ग्रीक में लिखा हुआ दिखेगा, बीच में पीछे की साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे खरोष्ठी लिपि लिखी होती है, और यहाँ पे ये पूरा सिक्का नहीं है, और यहाँ पे ब्राह्मी लिखी हुई होती है। तो खरोष्ठी में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो राजानो क्षत्रपासा नहपानसा, मतलब उस राजा का नाम लिखा हुआ है और क्षहरात वंश में वो राजा हुआ है। तो ये वेस्टर्न क्षत्रप का कॉइन है। दर्शकों को ये बताइए मोटे मोटे अंदाज में कि आज से कितना प्राचीन सिक्का, कितना पुराना है अगर आज के हिसाब से देखा जाए। ये सिक्के की अगर बात करूँ तो ये करीब करीब 1900 साल पुराना ये सिक्का है, 1800-1900। यहाँ पे आप देख सकते हो 124 CE। वेरी गुड। और ये सिल्वर में बने हैं। कोई ऐसा और इंटरेस्टिंग सिक्का एंशिएंट भारत का जिसके बारे में दर्शक थोड़ा जानकारी लें जी, इस सिक्के के बारे में बताइए, इस सिक्के के बारे में दर्शकों को। ये सिक्का है इक्ष्वाकु वंश का, जो भगवान श्री राम के वंशज को हम मानते हैं, वंशावली। हाँ, ये सिक्का 1700 साल पुराना है। अच्छा, ठीक है। और ये लेड धातु में बने हैं सिक्के। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिफेंट एक खड़ा हुआ है, हाथी का चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद इसके पहले जो दोस्तों सातवाहन वंश था उनके सिक्के भी ऐसे ही थे। इसका वजन कितना होता है? बहुत हल्का, छोटा सिक्का। हाँ, छोटा सिक्का है, करीब 2 ग्राम, 2 ग्राम होगा, 2.5 ग्राम के वजन के आसपास का। और मैं आपको एक सिक्का दिखाना चाहूँगा। हाँ। मेरे पास एक प्रिंसली स्टेट का कॉइन है, सुंथ नाम का है राज्य का। अच्छा, ये देखिए, ये थोड़ा सा रेयर माना जाता है सिक्का। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अलग अलग 4 सूर्य की निशानी बनी हुई है। ठीक है। IPS सुंथ। ठीक है। और 4 सूर्य की निशानी बनी हुई है, और पीछे नागरी में लिखा हुआ होता है श्री रामपुर। श्री रामपुर, यस। अच्छा, ठीक है। और ये कॉपर मेटल में आता है। ठीक है। गुजरात में ये पंचमहाल जिले के आसपास ये राज्य था। तो ये देसी रियासत का सिक्का हो गया। करेक्ट। और ये अलग अलग आप देख सकते हो मैंने कलेक्शन थोड़ा दिखाया था जल्दी में, क्योंकि सिक्के तो काफी ज्यादा है, एक सिक्के के बारे में अगर डिटेल के साथ समझाएंगे ना तो ये वीडियो मुझे लग रहा है 1 घंटे के आसपास हो जाएगी, और शायद इतनी लंबी वीडियो आप देख भी ना पाए। ये देखिए, ये पूरी एक व्यवस्थित तरीके से कॉइन होल्डर के साथ, कॉइन होल्डर के अंदर सिक्का, और कॉइन होल्डर के ऊपर पूरा सिक्के का डिस्क्रिप्शन, सिक्का कितना पुराना है, सिक्के पर क्या क्या चीज़ें अंकित है, पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरे अच्छे से रिसर्च स्टडी मेहनत कर ये पूरी एल्बम तैयार करी गई है। असली कलेक्शन यही है प्राचीन भारतीय सिक्कों का, जिससे रिसर्च से ज्ञान भी बढ़ता है, और हमारे भारत के जो सिक्के हैं अगर ऐसे सिक्कों कलेक्शन करते हैं तो नष्ट होने से बचते हैं। बहुत सारे सिक्के हैं, कुछ ब्रिटिश के भी हैं, ये देख सकते हैं। ये देखे सर्कुलेशन से अभी, जैसे कि एंशिएंट इंडिया का कलेक्शन जैसे मैंने बताया कि करते हैं, और सर्कुलेशन से इनको कुछ वैल्यूएबल रेयर नोट मिले हैं। ओम मोदी बताएंगे इन नोट में क्या खास बात है, बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर यहाँ पे छपना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं छपा है, और यहाँ पे छप गया बैक साइड में। वेरी गुड। तो ये एक जो साधारण नोट से एक वैल्यूएबल नोट बन गया है। हाँ हाँ हाँ। तो इस प्रकार से एक प्रिंटिंग मशीन में जब एरर आती है तो इस प्रकार के ऐसे नोट बन जाते हैं और हमारे हाथ में से निकल जाते हैं। लेकिन अब जब हम जानेंगे इस नोट्स के बारे में तो हम भी कलेक्शन करते हैं इस प्रकार के नोट के। सीरियल नंबर एरर है ये। और अब इस नोट को देखिए, यहाँ पे जो नंबर छपना चाहिए था वो नीचे आ गया है। करेक्ट। और यहाँ पे नहीं आया, यहाँ तो आया ही नहीं। ये 2014 का नोट है, यहाँ पे आप देखिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे एरर एक नोट्स को वैल्यूएबल बना देते हैं। तो ये सर्कुलेशन से मिले आपको? हाँ जी हाँ। क्या बात है, देखो 2 नोट है 10 रुपए का, 100 रुपए का, दोनों में कुछ खास बात है जो इन नोटों को दुर्लभ और रेयर बनाती है। ऐसे नोटों की वैल्यू अच्छी खासी होती है कलेक्शन पर्पस से देखे तो। ये है
ओम मोदी जी जो कि एक यंग न्यूमिस्मैटिस्ट एक सीरियस कॉइन कलेक्टर है जो कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर रिसर्च स्टडी करते हैं और जो भी इनके पास नॉलेज होती है वो आप सभी तक शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से। तो मोदी जी आज की इस वीडियो में आपका आने के लिए धन्यवाद। दर्शकों को जो आपने जानकारी दी ये काफ़ी कम लोग देते हैं, ऐसा कलेक्शन एंशिएंट इंडिया का कलेक्शन बहुत कम यंग लोग मैंने देखे हैं जो कलेक्शन करते हैं। आप सभी का आज की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।